गुड मॉर्निंग, लेट्स कंटिन्यू आवर चैप्टर ट्राइबल्स डीकूज एंड द विजन ऑफ अ गोल्डन एज. सेकेंड टॉपिक दैट इज हाउ डिड कॉलोनियल रूल अफेक्ट ट्राइबल लाइफ. द लाइफ ऑफ ट्राइबल ग्रुप चेंज ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल. लेट अस सी व्हाट दीज चेंजेस वर. जो ब्रिटिश रूल में लाइफ ब्रिटिश रूल में जो लाइफ थी ट्राइबल ग्रुप्स की वो चेंज हो गई थी. ठीक है, और लेट अस सी मतलब उनकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए थे उसको देखते हैं. व्हाट हैपेंड टू ट्राइबल चीफ बिफोर द अराइवल ऑफ द ब्रिटिश. द In many areas, the tribal chiefs were important people. What happened to tribal chief? Tribal के chief, जो tribals के मुखिया का क्या हुआ. हमारा first topic है कि what happened to tribal chief, tribal के मुखिया का क्या हुआ. अंग्रेज़ों के आने से पहले बहुत सारे इलाकों में before the arrival of the British, in many areas, the tribal chiefs were important people. जब ब्रिटिशर्स इंडिया में नहीं आए थे तो बहुत सारे एरियाज़ में जो ट्राइबल चीफ थे, जो मुखिया थे, आदिवासियों के जो मुखिया थे, वो पीपल्स के लिए, लोगों के लिए उनका बहुत महत्वपूर्ण या इम्पॉर्टेंट प्लेस होता था. दे एन्जॉयड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ इकोनॉमिक पावर. वो एन्जॉय करते थे सर्टेन अमाउंट ऑफ इकोनॉमिक पावर एंड हैड द राइट टू एडमिनिस्टर and control their territories. वो enjoy करते थे, they enjoyed the certain amount of economic power. जो chief थे वो certain amount of economic power को enjoy करते थे and had a right to administer and control their territory. उनके पास right होता था, उनके पास economic ताकत होती थी, power होती थी. वे अपने टेरिटरी पर कंट्रोल रखते थे, और राइट टू एडमिनिस्टर भी करते थे और उसे कंट्रोल भी करते थे. इन सम एरियाज दे हैड देयर ओन पुलिस एंड डिसाइडेड ऑन द लोकल रूल्स ऑफ लैंड एंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट. कुछ प्लेसेस पे दे हैड देयर मतलब उनकी खुद की पुलिस होती थी और डिसाइडेड ऑन और वो डिसाइड करती थी लोकल रूल लैंड के लिए, लोकल रूल वो डिसाइड करती थी एंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए भी वही डिसाइड लोकल पुलिस करती थी. और लोकल पुलिस लोकल रूल्स बनाती थी. अंडर ब्रिटिश रूल द फंक्शंस एंड द पावर्स ऑफ द ट्राइबल चीफ चेंज कंसिडरेबली. मतलब ब्रिटिश रूल जैसे ही आया तो जो फंक्शंस थे और जो पावर्स थे ट्राइबल चीफ के वो चेंज हो गए. पहले सारी पावर्स किसके पास थी, ट्राइबल चीफ के पास थी, आदिवासियों के मुखिया के पास थी. वो पावर्स क्या हो गई, वो पावर्स चेंज हो गए और उनके फंक्शन भी चेंज हो गए. दे वर अलाउड टू कीप देयर लैंड टाइटल ओवर अ क्लस्टर ऑफ विलेजेस एंड रेंट आउट लैंड बट दे लॉस्ट मच ऑफ देयर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर एंड वर फोर्स टू फॉलो लॉज मेड बाय ब्रिटिश ऑफिशियल्स इन इंडिया. जितने भी चीफ थे उन्होंने जो उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव और इकोनॉमिक पावर थी वो सब ब्रिटिशर्स ने ले ली और एंड वर फोर्स और ब्रिटिशर्स ने उन्हें फोर्स किया कि जो भी हमने लॉज बनाए हैं वो आपको भी फॉलो करना है, एंड दे वर अलाउड टू कीप देयर लैंड टाइटल. उन्हें ब्रिटिश इन सम प्लेसेस दे हैड देयर ओन पुलिस. ठीक है, अंडर ब्रिटिश रूल द फंक्शन एंड पावर्स ऑफ द ट्राइबल चीफ चेंज. मतलब ब्रिटिश रूल के अंडर में जो फंक्शन थे ट्राइबल चीफ के वो कंसिडरेबली अब चेंज हो गए. और दे वर अलाउड टू कीप देयर लैंड टाइटल ओवर अ क्लस्टर ऑफ विलेजेस और उन्हें कई कई गांवों पर जो ज़मीन का मतलब जो ज़मीन का टाइटल मिला था या ज़मीन जो उन्हें मिली थी जिसके वो लैंडलॉर्ड थे तो अब
ब्रिटिशर्स के आने से उनके साथ क्या हुआ कि वो सारी जमीन उनसे छीन गए और उनके जो लॉर्ड मच ऑफ लॉस्ट उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी उनसे ले लिया गया और उन्हें फोर्स किया गया कि जो ब्रिटिशर्स ने लॉ बनाए हैं इंडिया में वो वही उनको फॉलो करना है. दे ऑल्सो हैड टू पे ट्रिब्यूट टू द ब्रिटिश और दे ऑल्सो हैड टू पे उन्हें अंग्रेज़ों को ट्रिब्यूट देना पड़ता था. ट्रिब्यूट एक तरह का गिफ्ट या नजराना होता था. एंड डिसिप्लिन द ट्राइबल ग्रुप्स ऑन बिहाफ ऑफ द ब्रिटिश और उन्हें ब्रिटिशर्स को कुछ ट्रिब्यूट देना पड़ता था और ब्रिटिशर्स के रिप्रेजेंटेटिव की हैसियत से अपने ग्रुप को अनुशासन में रखना होता था. मतलब ब्रिटिशर्स के बिहाफ में उन्हें अपने ट्राइबल ग्रुप्स को डिसिप्लिन में रखना होता था. एंड दे लॉस्ट द अथॉरिटी दे हैड अर्लियर एंजॉयड अमंग देयर पीपल और उन्होंने लॉस्ट उनकी अथॉरिटी दे लॉस्ट उनकी जो अथॉरिटी थी वो उनसे ताकत छीन ली गई और उनके पास जो ताकत थी वो अब नहीं रही. एंड वो अनेबल टू फुलफिल देयर ट्रेडिशनल फंक्शन और वे जो ट्रेडिशनल फंक्शंस को करने में बिल्कुल क्या हुआ अनेबल हो गए लाचार हो वो अनेबल हो गए लाचार हो गए. What happened to the shifting cultivators? What happened to the shifting cultivators? Figure and 4, 5. Figure 5 you can see ki a log house been built in a village of the Nishi tribals of the northeast. Northeast ke Nishi tribals. निशी ट्राइबल के एक गांव में लॉग हाउस बनाया जा रहा है. लट्ठों से बना घर है. द एंटायर विलेज हेल्प वेन लॉग हट साबित और पूरा गांव जब ये घर ऐसे लॉग हाउस बनाए जाते हैं तो पूरा गांव मदद करता है. पूरा गांव हेल्प करता है. व्हाट हैपेंड आर नेक्स्ट टॉपिक अंडर द हेडिंग हाउ डिड कॉलोनियल रूल अफेक्ट ट्राइबल लाइफ उसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है What happened to the shifting cultivators? The British were uncomfortable with groups who moved about and did not have a fixed home. और ऐसे ग्रुपों से जो ट्राइबल ग्रुप्स थे ऐसे ग्रुप से ब्रिटिशर्स काफ़ी परेशान थी जो यहाँ वहाँ भटकते रहते थे और एक जगह ठहर कर या उनका कोई फिक्स्ड होम नहीं था या एक जगह ठहर कर नहीं रहते थे. द ब्रिटिशर्स वो ब्रिटिशर्स अनकंफर्टेबल थी विद सम ट्राइबल ग्रुप्स हु मूव्ड अबाउट जो इधर उधर घूमते थे और डिड नॉट हैव अ फिक्स्ड होम जिनके पास फिक्स्ड होम नहीं था. दे वांटेड ट्राइबल They wanted tribal groups to settle down. वो चाहते थे कि जो tribal groups हैं वो settle down हो जाए और become peasant cultivators बन जाए. तो मतलब खेती करना start करें. Settled peasants were easier to control and administer than people who were always on the move. जो settled people, peasants हैं जो settled किसान हैं वो easier मतलब control में आ जाते हैं and easily control में आ जाते हैं और उन्हें administer भी करना आसान होता है कि उन्हें बताना यहाँ से वहाँ आपको move नहीं करना है कहाँ. But लेकिन then जो पीपल यहाँ से वहाँ मूव करते रहते हैं उन्हें कंट्रोल करना उन्हें एडमिनिस्ट्रेट करना बहुत ही मुश्किल वर्क रहता है. द ब्रिटिश ऑल्सो वॉन्टेड अ रेगुलर रेवेन्यू सोर्स फॉर दी स्टेट. जो ब्रिटिश थे वो एक रेगुलर रेवेन्यू सोर्स चाहते थे. उस स्टेट थे वो एक रेगुलर रेवेन्यू सोर्स की का इच्छा रखते थे चाहते थे. सो दे इंट्रोड्यूस लैंड सेटलमेंट
और रेगुलर रेवेन्यू उन्हें सोर्स चाहिए था एज अ इनकम, तो उन्होंने फिर क्या इंट्रोड्यूस किया, लैंड सेटलमेंट उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। दैट इज दे मेजर द लैंड, डिफाइन द राइट्स ऑफ ईच इंडिविजुअल टू दैट लैंड एंड फिक्स द रेवेन्यू डिमांड फॉर दी स्टेट। अब उन्होंने क्या किया कि वो उन्हें एक रेवेन्यू सोर्स चाहिए था तो उन्होंने लैंड सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया, लैंड सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया। और लैंड सेटलमेंट क्या था, दैट इज दे मेजर द लैंड, और दैट वो क्या था कि वो मेजर करते थे लैंड, डिफाइन द राइट्स ऑफ ईच इंडिविजुअल, डिफाइन करते थे सबके राइट्स को, सबके राइट्स इंडिविजुअली ऑफ द जितना उनका लैंड था उसके अकॉर्डिंग वो उनके रेवेन्यू को, टैक्स को डिसाइड करते थे एंड फिक्स द रेवेन्यू डिमांड फॉर दी स्टेट, और फिक्स करते थे रेवेन्यू डिमांड उस स्टेट के लिए। सम पीसेंट्स वर डिक्लेयर्ड लैंड ओनर, अदर टीनेंट, और कुछ पीसेंट जो थे उन्हें लैंड ओनर्स बना दिया गया, और जो अदर्स थे वो टीनेंट्स थे, जो अदर्स थे वो क्या थे, टीनेंट्स थे। एंड एज यू हैव सीन चैप्टर 2, द टीनेंट्स वर टू पे रेंट टू द लैंड ओनर who turn paid revenue to the state। मतलब जो tenants थे वो rent पे land को लेकर वहाँ पर cultivators करते थे और उन्हें land owners को rent देना पड़ता था और उससे जो revenue निकलता था उसको भी उन्हें कहाँ देना पड़ता था, who in return paid revenue to the state, उन्हें state को revenue pay करना पड़ता था। और देख दो तरह से वो काम करते थे, जिससे वो लैंड लेते थे उनको रेंट देते थे और उसके बाद गवर्नमेंट को टैक्स, गवर्नमेंट को लगान भी देते थे। वो लोग दो तरह से, एक तो उनको भी रेंट देते थे और गवर्नमेंट को भी लगान दिया करते थे। एंड द British, the British effort to settle झूम cultivators was not very successful. The British effort to settle झूम cultivators was not very successful. जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने जो एफर्ट किया कि जो झूम cultivators हैं उनको एक जगह सेटल करने की कोशिश की, उन्होंने क्या कहा कि झूम कल्टीवेटर्स को, उन्होंने एफर्ट किया ब्रिटिशर्स ने कि झूम कल्टीवेटर्स को हम एक जगह सेटल करते हैं, लेकिन वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ, वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ। एंड सेटल प्लाउ कल्टीवेशन इज नॉट ईजी इन एरियाज वेयर वाटर स्केयर्स एंड द सॉइल इज ड्राई, और जो प्लाउ कल्टीवेशन, अगर आप एक जगह जहाँ पे पानी कम हो और जहाँ पे सॉइल ड्राई हो, जहाँ पे वाटर स्केयर हो और जहाँ पे सॉइल ड्राई हो, वहाँ प्लाउ से खेती करना आसान नहीं होता था, वहाँ प्लाउ कल्टीवेशन आसान नहीं होता था उस एरिया में जहाँ पे पानी की कमी होती थी और जो मिट्टी थी वो पूरी तरह से ड्राई हो चुकी थी। इनफैक्ट झूम कल्टीवेटर्स हु took to plow cultivation often suffered since their fields did not produce good yields. In fact, जो झूम cultivators थे who took to plow cultivation often suffered. वो जो बल्कि हालों के plow की मदद से खेती करने वाले जो झूम cultivators को अक्सर नुकसान ही हुआ, क्योंकि उनके खेत अच्छी तरह से उपज नहीं दे पाते थे। ठीक है, जो झूम कल्टीवेटर्स थे, इनफैक्ट झूम कल्टीवेटर जो प्लाउ कल्टीवेशन करते थे उन्हें इससे सफ़र करना पड़ता था, क्योंकि सिंस देयर फील्ड, उनके फील्ड्स में कुछ अच्छे प्रोड्यूस गुड्स ईल्ड्स नहीं होते थे, जो प्रोड्यूस करना चाहते थे वो गुड्स अच्छी क्वालिटी में नहीं होते थे। सो द झूम कल्टीवेटर्स इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया इंसिस्टेड ऑन कंटिन्यूइंग with their traditional practice and facing widespread protest. जो झूम cultivators थे, जो नॉर्थ ईस्ट के जो झूम cultivators थे, अरुणाचल प्रदेश, आसाम,
इन सब के जो झूम कल्टीवेटर थे एक्सेट्रा इंसिस्टेड ऑन कंटिन्यूइंग विद देयर ट्रेडिशनल प्रैक्टिस. उन्होंने इंसिस्ट किया और कहा कि हम जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं हम उसी के अकॉर्डिंग अपना वर्क करेंगे. एंड फेसिंग वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट और वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया था. द ब्रिटिश हैड टू अल्टीमेटली अलाउ देम द राइट टू कैरी ऑन शिफ्टिंग कल्टिवेशन इन सम पार्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट. और जो जब उन लोगों ने फेसिंग मतलब प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था तो ब्रिटिश हैड अल्टीमेटली ब्रिटिश ने अल्टीमेटली अलाउ कर दिया देम द राइट टू कैरी ऑन शिफ्टिंग. उनको कहा कि तो आप लोग कैरी करिए अपना शिफ्टिंग कल्टीवेशन. उन्हें राइट दे दिया और कहा कि आप सम पार्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट में कुछ पार्ट उन्हें दे दिया सम पार्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट में आप झूम कल्टीवेशन कर सकते हैं. आप झूम कल्टीवेशन उस पार्ट में कर सकते हैं. एंड प्रोटेस्ट के बाद अंग्रेज़ों को ब्रिटिशर्स ने उनको उनकी बात ब्रिटिशर्स को माननी पड़ गई और उन्हें छूट दे दी गई कि आप जंगल के कुछ हिस्सों में झूम कल्टीवेशन कर सकते हैं एंड लेट्स सी फिगर सिक्स एंड फिगर सेवन. फिगर सिक्स भेल वुमेन कल्टिवेटिंग इन अ फॉरेस्ट इन गुजरात. गुजरात के एक जंगल में खेती करती भील वुमेन एंड शिफ्टिंग कल्टिवेशन कंटिन्यू मैनी फॉरेस्ट एरियाज ऑफ गुजरात. You can see that trees have been cut and land cleared to create patches for cultivation. और shifting cultivation गुजरात के continue हुआ और many forest के area में shifting cultivation को फिर से continue कर दिया गया. और आप देख सकते हैं कि कई पेड़ों को काट दिया गया है ट्रीज़ को कट कर दिया गया है क्योंकि कल्टीवेशन के लिए ज़मीन साफ कर रहे हैं मतलब कल्टीवेशन के लिए खेती करने के लिए ज़मीन साफ कर दी गई है एंड सेवेंथ में आप देखेंगे कि फिगर सेवन ट्राइबल वर्कर्स इन राइस फील्ड इन आंध्र प्रदेश. जो ट्राइबल वर्कर्स हैं वो राइस फील्ड में हैं चावल के खेत में हैं आंध्र प्रदेश में. नोट द डिफरेंस बिटवीन राइस कल्टीवेशन इन द फ्लैट प्लेन एंड इन द फॉरेस्ट. आप मतलब डिफरेंस को नोट करिए जो राइस कल्टीवेशन फ्लैट प्लेन्स में होती है और जो राइस कल्टीवेशन आपके फॉरेस्ट में की जाती है आपका फर्स्ट एंड नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सी फॉरेस्ट लॉज एंड देयर इम्पैक्ट. फॉरेस्ट के जो लॉ थे उनके इम्पैक्ट कैसे पड़ा या उनका प्रभाव कैसे पड़ा. द लाइफ ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स एज यू हैव सीन वॉज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द फॉरेस्ट. जो द लाइफ ऑफ जो ट्राइबल ग्रुप्स की थी जो आपने देखा वो डायरेक्टली कनेक्टेड था फॉरेस्ट से. जैसे कि हमने देखा कि जो ट्राइबल ग्रुप्स की लाइफ थी वो बिल्कुल फॉरेस्ट से जुड़ी हुई उनकी ज़िंदगी थी. सो चेंजेस इन फॉरेस्ट लॉ हैड अ कंसिडरेबल इफेक्ट ऑन ट्राइबल लाइफ. और जो चेंजेस फॉरेस्ट लॉज में हुए उसके कारण उनकी लाइफ अगर फॉरेस्ट में कुछ चेंजेस होंगे तो ट्राइबल पीपल्स की भी लाइफ में उसका अफेक्ट पड़ेगा द ब्रिटिश एक्सटेंडेड देयर कंट्रोल ओवर ऑल फॉरेस्ट एंड डिक्लेयर दैट फॉरेस्ट वर स्टेट प्रॉपर्टी. जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अपना कंट्रोल ब्रिटिशर्स ने
सारे फॉरेस्ट पर अपना कंट्रोल एक्सटेंड करते, मतलब अपना कंट्रोल कर लिया ओवर ऑल फॉरेस्ट द ब्रिटिशर, उन्होंने अपने ब्रिटिशर्स ने एक्सटेंड कर दिया अपने कंट्रोल, मतलब ओवर ऑल फॉरेस्ट में उन्होंने अपना कंट्रोल कर दिया और डिक्लेयर कर दिया कि ये जो फॉरेस्ट है वो स्टेट प्रॉपर्टी है, और डिक्लेयर क्या कर दिया, ये जो फॉरेस्ट है वो स्टेट प्रॉपर्टी है। एंड सम फॉरेस्ट वो क्लासिफाइड एज रिजर्व फॉरेस्ट, और कुछ फॉरेस्ट थे उन्हें क्लासिफाई किया गया एज रिजर्व फॉरेस्ट। सम फॉरेस्ट आर क्लासिफाइड एज रिजर्व फॉरेस्ट फॉर दे प्रोड्यूस टिम्बर विच द ब्रिटिश वांटेड। कुछ फॉरेस्ट को क्लासिफाई किया गया और उन्हें रिजर्व फॉरेस्ट बना दिया गया, उन्हें रिजर्व, और कुछ जंगलों को, मतलब कुछ फॉरेस्ट को रिजर्व फॉरेस्ट बना दिया गया। ये ऐसे फॉरेस्ट थे जहाँ ब्रिटिशर्स की ज़रूरतों के लिए, ब्रिटिशर्स की ज़रूरतों के लिए टिम्बर, टिम्बर वुड पैदा होती थी, जहाँ पे ब्रिटिशर्स की ज़रूरतों के लिए टिम्बर वुड पैदा होती थी, मतलब उन्होंने फॉरेस्ट को क्लासिफाई किया और फॉरेस्ट को कुछ पार्ट को उन्होंने रिजर्व फॉरेस्ट को द रिजर्व फॉरेस्ट में दे दिया, और रिजर्व फॉरेस्ट में वो रिजर्व इन्होंने क्यों किया, क्योंकि वॉर दे प्रोड्यूस टिम्बर विद द ब्रिटिश वांटेड, और वहाँ पे टिम्बर प्रोड्यूस होता था और जो ब्रिटिशर्स को चाहिए था। In these forests, people were not allowed to move freely. In forests में people को allowed नहीं था कि वो freely move करें। In forests में people को allowed नहीं था कि वो freely एक जगह से दूसरी जगह घूमें। Practice झूम cultivation, वो घूम नहीं सकते थे, झूम cultivation नहीं कर सकते थे। कलेक्ट फ्रूट्स नहीं करते सकते थे, मतलब फ्रूट को कलेक्ट भी नहीं कर सकते थे। एंड हंट एनिमल्स, वो एनिमल्स को हंट भी नहीं कर सकते थे, वो एनिमल्स को हंट भी नहीं कर सकते थे। हाउ आर झूम कल्टीवेटर्स टू सर्वाइव इन सच अ सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन में झूम कल्टीवेटर्स कैसे सर्वाइव करेंगे, ऐसी सिचुएशन में झूम कल्टीवेटर कैसे सर्वाइव करेंगे, क्योंकि उनके सारे हक तो छीन लिए गए थे, और रिजर्व फॉरेस्ट के कारण जो पीपल आज़ाद थे, फॉरेस्ट पीपल, जो ट्राइबल पीपल घूमते थे, अब उन्हें अलाउ नहीं था कि वो फ्रीली घूमें, वो प्रैक्टिस झूम कल्टीवेशन नहीं कर सकते, कलेक्ट फॉरेस्ट फ्रूट्स को कलेक्ट नहीं कर सकते थे, या जानवरों की हंटिंग नहीं कर सकते थे। और झूम कल्टीवेटर ऐसी सिचुएशन में कैसे सर्वाइव कर सकते थे। मैनी वर देयरफॉर फोर्स्ड टू मूव टू अदर एरिया इन सर्च ऑफ वर्क एंड लाइवलीहुड। कई लोगों ने क्या किया, इसलिए उनमें से बहुतों को काम और जॉब की तलाश में मजबूरन दूसरे इलाके में जाना पड़ा, मतलब फोर्स, उन्हें फोर्स किया गया कि टू मूव ऑन करें, आप दूसरे एरिया में जाकर बस जाएं, नॉट से एरिया में जाकर बस जाइए, वहाँ पे वर्क ढूंढिए और फिर से अपना अपनी लाइवलीहुड को स्टार्ट कर दीजिए, अपने लाइवलीहुड को स्टार्ट कर दीजिए। एंड कॉलोनियल बट वन द ब्रिटिश स्टॉप द ट्राइबल पीपल फ्रॉम लिविंग इनसाइड फॉरेस्ट दे फेस्ड अ प्रॉब्लम। जब ब्रिटिशर्स ने फॉरेस्ट के अंदर ट्राइबल्स के रहने पर पाबंदी लगा दी, मतलब उनको ट्राइबल्स स्टॉप कर दिया कि ट्राइबल पीपल्स अब फॉरेस्ट में नहीं रहेंगे, तो दे फेस्ड अ प्रॉब्लम, उन्हें एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, एक प्रॉब्लम पैदा हो गई या उन्हें एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। और जो प्रॉब्लम थी वो क्या थी, फ्रॉम वेयर वुड द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गेट इट्स लेबर टू कट ट्रीज फॉर रेलवे स्लीपर एंड टू ट्रांसपोर्ट लॉग। अब क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स ने ट्राइबल पीपल को
ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ट्राइबल पीपल्स को लिविंग इट है, ब्रिटिशर्स ने स्टॉप कर दिया कि ट्राइबल पीपल्स को कि आज के बाद आप फॉरेस्ट में नहीं रहेंगे। तो एक तरह से ब्रिटिशर्स ने उन्हें मना कर दिया, तो इससे क्या हुआ, ब्रिटिशर्स को प्रॉब्लम हो गई। उन्हें कौन सी प्रॉब्लम हो गई, अब वो सोचने लग गए कि फ्रॉम वेयर वुड द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गेट्स इट लेबर, मतलब कि कहाँ से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अपने लेबर, फ्रॉम वेयर मतलब कहाँ से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लेबर को ढूंढेगी, पेड़ काटने के लिए लेबरों को वो कहाँ से ढूंढेगी, और रेलवे स्लीपर्स के लिए वो लेबर्स को कहाँ से ढूंढेगी, और ट्रांसपोर्ट लॉक्स के लिए वो लेबर्स कहाँ से लेकर आएगी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि रेलवे स्लीपर्स के लिए पेड़ काटना और लकड़ी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए लेबरों का इंतज़ाम कहाँ से किया जाएगा, लेबर को कहाँ से मैनेज किया जाएगा। अगर हम उनको मना कर देते हैं तो लेबर्स का इंतज़ाम हम कैसे करेंगे, उनको स्टॉप कर देंगे अगर फॉरेस्ट में आने से। और स्लीपर क्या होता है कि रेलवे स्लीपर्स होते हैं द हॉरिजेंटल प्लैंक्स ऑफ वुड ऑन विच रेलवे लाइन्स आर ले, मतलब एक हॉरिजेंटल प्लैंक, लकड़ी का हॉरिजेंटल प्लैंक होता है जिसपे रेलवे लाइन्स की जो पटरियाँ होती हैं उनको बिछाए, जो रेलवे की पटरियाँ होती हैं, जो रेलवे लाइन्स होते हैं उनको वहाँ पे लेड किया जाता है, मतलब लेड डाउन किया जाता है, वहाँ पर बिछाया जाता है। एंड कॉलोनियल ऑफिशियल्स केम अप विथ अ सॉल्यूशन। जो कॉलोनियल ऑफिसर्स थे वो एक सॉल्यूशन, उन्होंने एक सॉल्यूशन को ढूंढ निकाला। दे डिसाइडेड दैट दे वुड गिव झूम कल्टीवेटर स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड इन द फॉरेस्ट एंड अलाउ देम टू कल्टीवेट दी ऑन द कंडीशन दैट दोज हु लिव्ड इन द विलेजेस वुड हैव टू प्रोवाइड लेबर टू द फॉरेस्ट डिपार्चर एंड लुक आफ्टर द फॉरेस्ट। अब कॉलोनियल ऑफिसर्स ने इसके लिए एक उपाय को या एक सॉल्यूशन उन्होंने ढूंढ निकाला, और उन्होंने डिसाइड किया कि दैट दे वुड गिव झूम कर, उन्होंने डिसाइड किया कि वो झूम कल्टीवेटर्स को स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड फॉरेस्ट में दे देंगे एंड अलाउ देम, और उन्हें वहाँ पर कल्टीवेशन करना भी अलाउ कर देंगे देम, बट उनकी एक कंडीशन थी दैट कि दोज हु लिव्ड इन द विलेजेस, जो भी लोग विलेजेस में रहते हैं वुड हैव टू प्रोवाइड लेबर, उन्हें अपना लेबर मतलब लेबर प्रोवाइड करना पड़ेगा फॉरेस्ट डिपार्चर एंड लुक आफ्टर द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट डिपार्चर के लिए उन्हें लेबर प्रोवाइड करना पड़ेगा और लुक आफ्टर द फॉरेस्ट मतलब फॉरेस्ट की देखभाल करने के लिए भी उन्हें देना लेबर चाहिए। एंड उन्होंने शर्त क्या रखी थी कि गांव में विलेजेस में रहने वालों को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए लेबर का काम करना होगा और फॉरेस्ट की देखभाल करनी होगी इस तरह। सो इन मैनी रीजन द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट स्टैब्लिश फॉरेस्ट विलेज टू इंश्योर अ रेगुलर सप्लाई ऑफ चीप लेबर। और मैनी डिपार्टमेंट में क्या हुआ, इस तरह बहुत सारे एरिया में जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने लो सस्ते मतलब चीप लेबर की रेगुलर सप्लाई सुनिश्चित की, मतलब डिसाइड किया, और वन वहाँ पर क्या हुआ, फॉरेस्ट विलेजेस को उन्होंने क्या किया बसा दिया गया। अगर आप देखें जो कॉलोनियल ऑफिसर्स थे वो केम अप, वो एक सॉल्यूशन लेकर आए, और उन्होंने डिसाइड किया कि दे वुड गिव झूम कल्टीवेटर स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड, वो
उन्होंने डिसाइड किया कि वो झूम कल्टीवेटर्स को स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड दे देंगे और इन द फॉरेस्ट में और अलाउ देम और उन्हें अलाउ कर देंगे कि आप उसमें खेती करिए. और बट एक कंडीशन थी कि दैट दोज लिव इन द विलेजेस, जो विलेजेस में रहते हैं वो हमें मतलब लेबर, हमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को आपको लेबर प्रोवाइड करना पड़ेगा. विलेजेस में जो लोग रहते हैं उन्हें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए लेबर का वर्क करना पड़ेगा और उन्हें फिर और उन्हें फॉरेस्ट की देखभाल करनी पड़ेगी. सो इन मैनी रीजन द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश्ड फॉरेस्ट विलेजेस. मैनी रीजन्स में जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसने एस्टैब्लिश्ड किया फॉरेस्ट विलेजेस को उसने एस्टैब्लिश किया. इसलिए उसने एस्टैब्लिश किया क्योंकि उसे रेगुलर सप्लाई ऑफ चीप लेबर की ज़रूरत थी. Many tribal groups reacted against the colonial forest law. कई tribal groups ने react किया इस जो forest law के खिलाफ. उन्होंने react किया Britishers के खिलाफ. React मतलब विद्रोह किया. They disobeyed the new rule. उन्होंने साफ नए रूल्स को मानने से साफ इनकार कर दिया. कंटिन्यू विद प्रैक्टिस दैट वर डिक्लेयर्ड इलीगल एंड ऑल टाइम्स रोज इन ओपन रिबेलियन. उन्होंने क्या किया, बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स ने फॉरेस्ट लॉ का विरोध किया. और कहा कि फॉरेस्ट लॉ यूजफुल नहीं है. And they disobeyed. उन्होंने disobey किया मतलब उन्होंने कहा ये जो नए rules हैं उन्होंने नए rules को मानने से साफ इनकार कर दिया और वो उसी तरीके से चलते थे जैसे वो अपनी पहली ज़िंदगी जीते थे. ब्रिटिशर्स के आने से पहले वो अपनी ज़िंदगी को वैसे ही जीने लग गए और ब्रिटिशर्स की नज़र में जो वो पहली लाइफ जीते थे वो क्या था, ब्रिटिशर्स की नज़र में वो बिल्कुल इलीगल था. वो ब्रिटिशर्स की में इलीगल था और एट टाइम्स रोज इन ओपन रेबेलियन. और जिन्हें सरकार क्या गवर्नमेंट क्या कहती थी, ये एक ओपन रेबेलियन है या ओपन चैलेंज है या ओपन विद्रोह है. कई बार तो उन्होंने ओपन चैलेंज भी कर दिया था मतलब कई बार ट्राइबल ग्रुप्स ने क्या किया, ओपन चैलेंज कर दिया क्योंकि बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स ने कॉलोनियल फॉरेस्ट लॉ का विद्रोह किया. उन्होंने नए नियमों का पालन भी किया उन्होंने डिसओबे कर दिया कि हम न्यू रूल्स को नहीं मानेंगे और जो हमारे ओल्ड रूल्स हैं हम उसी को फॉलो करते जाएंगे जो हमने बनाए थे. ट्राइबल ग्रुप्स ने कहा हम उसको फॉलो करेंगे, हम ब्रिटिशर्स के न्यू रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे. और कंटिन्यू विद प्रैक्टिसेस दैट वर डिक्लेयर्ड ईगल और वो कंटिन्यू कर रहे थे प्रैक्टिसेस को कि जिन्हें ओल्ड प्रैक्टिसेस को वो कंटिन्यू कर रहे थे जिन्हें ब्रिटिशर्स ने क्या नए रूल्स बनाने के बाद अगर आप ओल्ड रूल्स को फॉलो करते हैं तो आपको इलीगल कहा जाएगा, डिक्लेयर्ड इलीगल कर दिया जाएगा. और एट टाइम्स ओपन और कभी कभी तो वो ओपन रिबेलियन करते थे मतलब ओपन चैलेंज ब्रिटिशर्स को देते थे. सच वॉज द रिवॉल्ट ऑफ और उनमें से एक रिवॉल्ट भी है. सच एज
द रिवॉल्ट ऑफ सोंग्रम सोंग्रम संग सोंग्रम संगमा ठीक है और इन 1906 इन आसाम में हुआ था द फॉरेस्ट सत्याग्रह ऑफ द 1930s इन द सेंट्रल प्रोविजन क्या होता 1906 में इन आसाम में विद्रोह किया था अब उनके पीछे चिपके 1906 में आपकी दूसरे जगह जहाँ भी एडमिशन लेना है सॉरी सच वॉज 1906 में सोंग्रम संगमा सोंग्रम संगमा इन आसाम एंड द फॉरेस्ट सत्याग्रह इन 1930 इन द सेंट्रल प्रोविजन यहाँ पे इस चीज़ का रिवोल्ट हुआ था यहाँ पे विद्रोह किया गया था रिवोल्ट किया गया था 1906 में आसाम में किया गया था और 1930 में सेंट्रल प्रोविनेंस में इस चीज़ का विद्रोह किया गया था एंड The problem with trade. Our next topic that is D. The problem with trade. During the 19th century, tribal groups found that traders and many lenders were coming into the forest more often, wanting to buy forest produce, offering cash loans. And asking them to work for wages. It took tribal groups some time to understand the consequence of what was happening. The problem in with trade. Trade के साथ क्या problem? व्यापार की समस्या या ट्रेड की प्रॉब्लम्स अगर ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी क्या हुआ था जो ट्राइबल ग्रुप्स थे फाउंड दैट ट्राइबल ग्रुप्स ने देखा कि जो ट्रेडर्स थे और जो मनी लेंडर्स थे वो वर्कमिंग वो फॉरेस्ट आ रहे थे ठीक है उन्होंने देखा कि वो जंगलों में जल्दी जल्दी आने लगे थे ठीक है ये जो थे कमिंग इन टू द फॉरेस्ट मोर ऑफन ये लोग रेगुलर फॉरेस्ट आने लग गए थे एंड More often wanting to buy forest produce. और वो किस लिए रेगुलर आ रहे थे वो जल्दी जल्दी इसलिए रेगुलर फॉरेस्ट आ रहे थे कि जो फॉरेस्ट में जो चीज़ें प्रोड्यूस हुई हैं उनको खरीदने के लिए वो आ रहे थे और एडवांस में वो एडवांस पेमेंट कैश लोन और wanting to buy प्रोड्यूस ठीक है ऑफरिंग कैश लोन और वो ऑफर कर रहे थे मतलब ऑफरिंग कैश लोन एंड आस्किंग देम टू वर्क फॉर एजेस उन्होंने क्या कहा जो ट्रेडर्स थे वो बार बार जल्दी जल्दी फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स को परचेज जो फॉरेस्ट में प्रोड्यूस हुए थी चीज़ें उनको परचेज करने आ रहे थे और उन्होंने वहाँ पे जो फॉरेस्ट जो ट्राइबल पीपल्स थे उनको एडवांस में लोन भी देना चाहा और कहा कि आप लोग हमारे यहाँ पर आकर आप वेजेस पर वर्क करिए वर्क फॉर वेजेस और इट टुक ट्राइबल ग्रुप सम टाइम टू अंडरस्टैंड दी मतलब ये इसने मतलब ट्राइबल ग्रुप्स को समझने में अंडरस्टैंड मतलब समझने में थोड़ा सा टाइम लग गया कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे फ्यूचर में इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे लेट अस कंसीडर द केस ऑफ द सिल्क ग्रोवर्स चलिए एक केस देखते हैं हम इसको समझने के लिए लेट अस टेक द केस ऑफ द सिल्क ग्रोवर्स सिल्क ग्रोवर्स के केस को समझने की करते हैं कोशिश करते हैं उनको समझने की एंड इन द इन द 18th सेंचुरी इन द 18th सेंचुरी इंडियन सिल्क वॉज इन डिमांड इन यूरोपियन मार्केट
अगर हम बात करें इन द 18th सेंचुरी में क्या हुआ था, जो इंडियन सिल्क था वो इंडियन सिल्क वॉज डिमांड इन यूरोपियन मार्केट, इंडियन की जो सिल्क थी वो यूरोपियन मार्केट में उसकी बहुत डिमांड थी, उसकी बहुत डिमांड थी 18th सेंचुरी में इंडियन सिल्क की यूरोपियन मार्केट में बहुत ज़्यादा ही डिमांड थी। द फाइन क्वालिटी ऑफ इंडियन सिल्क वॉज हाईली वैल्यूड एंड एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया इंक्रीज रैपिडली। एंड क्या हुआ कि फाइन क्वालिटी इंडिया में क्या होता था, फाइन क्वालिटी ऑफ इंडियन सिल्क मतलब फाइन क्वालिटी ऑफ इंडियन सिल्क की बहुत वैल्यू थी यूरोपियन मार्केट्स में, और यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा था, इंडिया से ये फाइन क्वालिटी ऑफ सिल्क को एक्सपोर्ट किया जा रहा था और इंक्रीज, ये जो एक्सपोर्ट हो रहा था वो रेगुलरली इंक्रीज होता जा रहा था, ये जो एक्सपोर्ट किया जा रहा था वो रेगुलरली इंक्रीज किया जा रहा था, इंक्रीज होता जा रहा था। और एज द मार्केट एक्सपेंडेड मतलब जैसे जैसे मार्केट एक्सपेंड होता चला गया, एक्सपेंडेड हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिसर्स, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स थे वो ट्राई कर रहे थे एनकरेज कि सिल्क प्रोडक्शन टू मीट द ग्रोइंग डिमांड। एंड जैसे जैसे मार्केट जैसे जैसे मार्केट एक्सपैंड हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर थे इस डिमांड को पूरा करने के लिए वो मार्केट्स की डिमांड को पूरी करने के लिए वो उन्होंने यूरोपियन का ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऑफिसर्स ने ट्राई किया, एनकरेज किया कि सिल्क की प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाए क्योंकि जो इसकी डिमांड है वो बहुत ज़्यादा आ रही है, क्योंकि जो इसकी डिमांड है वो इंक्रीज हो चुकी है, वो इंक्रीज हो चुकी है। एंड हजारीबाग इन प्रेजेंट डे झारखंड वॉज एन एरिया वेयर दी संथाल रियर कुकुर, और इन प्रेजेंट डे की अगर हजारीबाग जो झारखंड में है, दैट एंड फ्यूचर में हजारीबाग झारखंड में, और झारखंड के आसपास के लोग रहने वाले जो झारखंड में आसपास के लोग रहते हैं उनमें से एक है संथाल। देखो हजारीबाग इन प्रेजेंट डे झारखंड में वॉज एन एरिया, वो एक एरिया है वेयर दी संथाल, जो संथाल थे वो क्या करते थे, रियर करते थे, कुकुन्स को पालते थे, वो रियर करते थे, कुकुन्स को क्या करते थे, पालते थे, एंड कुकुन्स को वो पालते थे। द ट्रेडर्स डीलिंग इन सिल्क सेंट इन देयर एजेंट हु गेव लोन टू द ट्राइबल पीपल एंड कलेक्टेड दी कुकुन, और जो ट्रेडर्स थे मतलब वो जो सिल्क के ट्रेडर्स थे जो डील करते थे सिल्क में, वो सिल्क को जो सिल्क के ट्रेडर थे अपने एजेंट्स को वो आदिवासियों के पास भेजते थे और वो उन्हें लोन देने के लिए भेजते थे एंड और कलेक्टेड दी कुकुन, क्या होता था जो ट्रेडर थे जो डील करते थे सिल्क में वो अपने एजेंट्स को एजेंट्स को ट्राइबल पीपल के पास भेजते थे, और जो हमारे एजेंट्स थे वो ट्राइबल पीपल्स को क्या देते थे, लोन देते थे, हमारे एजेंट्स थे ट्राइबल पीपल्स को लोन देते थे, लेकिन वो लोन किसने दिया होता था, ट्रेडर्स ने दिया होता था, और उसके बदले में वो उनसे कलेक्ट करते थे, कुकुन्स को कलेक्ट कर लेते थे,
कुकुन्स को क्या करते थे, कलेक्ट कर लेते थे, दैट कुकुन्स को वो कलेक्ट कर लेते थे. दीज वर देन एक्सपोर्टेड टू, दीज वर देन एक्सपोर्टेड टू बर्दवान और गया, वेयर दे वर सोल्ड एट 5 times द प्राइस. इसके बाद इन द ग्रोवर्स वर पेड ₹3 to ₹4 फॉर 1000 कुकून, मतलब 1000 कुकून के लिए वो उन्हें 3 to 4 rupees पे किया करते थे. 1000 कुकून के लिए वो उन्हें 3 to 4 rupees ही पे किया करते थे. एंड दीज वर देन एक्सपोर्टेड टू बर्दवान और गया, वेयर दे वर सोल्ड एट 5 times द प्राइस. और इसके बाद इन और दीज वर देन एक्सपोर्टेड, और ये फिर एक्सपोर्ट मतलब एक्सपोर्टेड टू बर्दवान. इसके बाद क्या हुआ कि ये जो पीपल थे, दीज वर देन एक्सपोर्टेड टू बर्दवान और गया, वेयर दे वर सोल्ड एट 5 times द प्राइस. और इसको क्या, कुकुन्स को क्या किया गया, एक्सपोर्ट कर दिया गया बर्दवान और गया में. वहाँ पे इसकी ये जो जितने में आपने ख़रीदा है उसके 5 times प्राइजेस मिलते थे वहाँ. 5 times से ज़्यादा में वहाँ पे सेल किया जाता था, 5 times के ज़्यादा में वहाँ पर सेल किया जाता था. एंड बर्दवान और गया में वहाँ सोल किया जाता था 5 times द प्राइस. द मिडल मैन सो कॉल्ड बिकॉज दे अरेंज डील्स. जो मिडल मैन थे, सो कॉल्ड बिकॉज दे वर अरेंज डील्स बिटवीन द एक्सपोर्टर्स एंड द सिल्क एक्सपोजर एंड मेड ह्यूज प्रॉफिट. आप कह सकते हो कि इसके बाद जब उन्होंने बर्दवान में कुकुन्स की पे क्या थी, कुकुन्स द ग्रोवर्स वर पेड, जो ग्रोवर थे वो कुकुन ए मतलब 1000 कुकुन के लिए 3 to 4 rupees देते थे. और फिर जब वो एक्सपोर्ट दी, ये कुकुन को एक्सपोर्ट किया जाता था बर्दवान और गया में, और वहाँ पे सोल्ड किया जाता था कुकुन को 5 times दी प्राइस, मतलब 5 गुना प्राइस में सोल्ड किया जाता था. अगर 5 rupees का है तो 25 rupees में सोल्ड किया जाता था. 5 rupees की चीज़ कितने में सोल की जाती थी, 25 rupees में सोल की जाती. एंड द मिडल मैन सो कॉल्ड बिकॉज, जो मिडल मैन था सो कॉल्ड बिकॉज दे अरेंज डील बिटवीन द एक्सपोर्टर्स एंड द सिल्क ग्रोवर, मतलब जो मिडल मैन होता था वो इन दोनों के बीच में एक डील करवाता था. मिडल मैन मतलब कि दो लोगों के बीच में लड़ाई को रुकवाना या डील करवाना जो मिडल मैन था सो कॉल्ड बिकॉज दे अरेंज, जो मिडल मैन से उस वो अरेंज करता था डील बिटवीन जो एक्सपोर्टर्स थे और जो सिल्क ग्रोवर्स थे, उनके भी एक्सपोर्टर और सिल्क ग्रोवर के बीच में वो क्या करता था, मिडल मैन का काम करता था. यहाँ पे देखिए, जो मिडल मैन था सो कॉल्ड वो अरेंज करता था डील बिटवीन द एक्सपोर्टर, और जो सिल्क ग्रोवर, जो सिल्क उत्पादक थे, जो सिल्क को ग्रो करते थे, उनके बीच में वो डील करता था. और सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किसको होता था, मिडल मैन को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होता था. द सिल्क ग्रोवर्स अर्न वेरी लिटिल, और जो सिल्क ग्रो करते थे उन्हें कम बहुत लिटिल प्रॉफिट होता था. और अंडरस्टैंडेबली मैनी ट्राइबल ग्रुप
saw the market and the traders as their main enemy. और वही मैनी ट्राइबल ग्रुप्स ने देखा ये जो मार्केट है और ये जो ट्रेडर्स है सबसे बड़े उनके एनिमी हैं और वो उनको सबसे बड़ा अपना दुश्मन मानने लग गए थे और वो उनको सबसे बड़ा अपना दुश्मन मानने लग गए थे। एंड फिगर एट में आप देख सकते हैं गौदारा, औरतें बुनाई करती हुई मतलब वीविंग करती हुई, गौदारा वुमेन वीविंग मतलब वो लोग वीविंग कर रही हैं। और फिगर 9 में आप देख सकते हैं हजांग वुमेन, एक हजांग वुमेन है जो ये सब ट्राइबल पीपल्स हैं वो वीविंग कर रही है मतलब बुन रही है एक मैट को, वो वीविंग कर रही है एक मैट को बुन रही है। एंड फॉर वुमेन डोमेस्टिक वर्क वॉज नॉट कन्फाइंड टू द होम, औरतों के लिए जो डोमेस्टिक वर्क था वो सिर्फ घर तक के लिए कन्फाइंड नहीं था, होम तक के लिए कन्फाइंड नहीं था। दे कैरी देयर बेबीज विद देम टू द फील्ड एंड द फैक्ट्री, वो अपने बेबीज को कैरी करके फील्ड पे अगर वो वर्क करती थी तो फील्ड तक लेके जाती थी और अगर वो मतलब फैक्ट्रीज में वर्क करती थी तो उन्हें कहाँ तक लेके जाती थी, फैक्ट्रीज तक लेकर जाती थी, फैक्ट्रीज तक लेकर वो उन्हें जाती थी। एंड फिगर 10 दैट कोल माइनर्स ऑफ बिहार 1948, ये हम किससे रिलेटेड है, अ क्लोज लुकर्स लुक से रिलेटेड है। दैट इज कोल माइनर्स हैं, कोल माइनर्स है ये कुछ बिहार के बिहार के हैं, बिहार का कोल माइनर 1948 की पिक्चर है, 1948 की बात है, कोल माइनर्स हैं बिहार में। एंड इन द 1920s अबाउट 50% ऑफ द माइनर्स इन द झारिया एंड रानीगंज कोल माइंस ऑफ बिहार वर ट्राइबल। 1920s में बिहार की झरिया और रानीगंज, बिहार के जो झरिया और जो रानीगंज था वो कोयला वो कोल माइंस में काम करने वाले लगभग 50% कोल माइनर्स आदिवासी थे। ठीक है, बिहार में क्या था जो कोल माइनर्स हैं ये जो कोल माइंस में वर्क करते हैं 1920s में अबाउट 50% ऑफ द माइनर्स 1920s में जो 50% ऑफ द माइनर्स थे वो झरिया और रानीगंज में कोल माइंस बिहार में ट्राइबल्स थे, मतलब ट्राइबल्स की पॉपुलेशन कितनी थी 50% थी और वो झरिया और रानीगंज में कोल माइंस में काम करते थे, कोयले के खदान में वो लोग काम करते थे। एंड कोल माइंस ऑफ वर्क डीप डाउन इन द डार्क एंड सफोकेटिंग माइंस वॉज नॉट ओनली बैक ब्रेकिंग एंड डेंजरस, आप कह सकते हो कि वहाँ पे जो वर्क था बहुत डीप डाउन में आपको अंधेरों में काम करना पड़ता था और सफोकेटिंग होता था, सांस लेने में प्रॉब्लम होती थी माइंस में। बट वॉज नॉट ओनली ब्लैक ब्रेकिंग, ये ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ ब्लैक ब्रेकिंग कर रहे हो या ना केवल मतलब गहराई में जाकर बैक ब्रेकिंग, मतलब ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके बैक को ही तोड़ रहा है, आपकी कमर को ही तोड़ रहा है, बैक को ही चोट पहुंचा रहा है, ये आपके लिए डेंजरस भी है, ये क्या है, ये आपके लिए काफ़ी डेंजरस भी है। एंड इट वॉज ऑफन लिटरली किलिंग इन द 1920s ओवर 2000 वर्कर्स डाई एवरी ईयर इन द कोल माइन इन इंडिया, और 1920s में क्या हुआ कि ओवर 2000 वर्कर्स 1920s में 2000 वर्कर्स कोल माइंस में काम करते हुए वर्कर्स मारे गए।
1920s में 2000 वर्कर्स की डेथ हो गई और ये उनकी डेथ हो गई और ये हर हज़ार मतलब एवरी ईयर कोल्स माइंस जो इंडिया में एवरी ईयर जो कोल माइंस इंडिया में है वहाँ पर इन सब की क्या हो जाती है मतलब हर ईयर हर पर ईयर 2000 लोगों की डेथ हो जाती है, सफोकेटिंग से उनकी डेथ हो जाती है. एंड दैट इज आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द सर्च फॉर वर्क. द सर्च फॉर वर्क आर लास्ट टॉपिक अंडर द हेडिंग ऑफ हाउ डिड कॉलोनियल रूल अफेक्ट ट्राइबल लाइफ. तो द सर्च फॉर वर्क द प्लाइट ऑफ द ट्राइबल हु आर टू गो फॉर फार अवे फ्रॉम देयर होम इन सर्च ऑफ वर्क वॉज इवन वर्क. मतलब जो ट्राइबल्स थे जब वो बहुत दूर जाते थे काम की काम ढूंढने के लिए इन सर्च ऑफ वर्क बहुत बहुत ही ज़्यादा उनकी लाइफ अपने घर को छोड़ के थोड़ी भी दूर जाने पर उनको पता चला कि उनकी जो लाइफ है बहुत स्ट्रगलिंग वाली मतलब वर्स्ट लाइफ है. उनकी जो लाइफ है वो वर्स्ट लाइफ है. ये यू कैन सी कि जब वो सर्च फॉर वर्क सर्च फॉर जॉब या सर्च ऑफ वर्क के लिए जब वो घर से दूर जाने वाले जो ट्राइबल्स का जो प्लाइट था प्लाइट मतलब उनकी दशा तो और भी वर्स थी बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी. एंड फ्रॉम द लेट 19th सेंचुरी फ्रॉम द लेट 19th सेंचुरी टी प्लांटेशन स्टार्टेड कमिंग अप एंड माइनिंग बिकम एंड इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री. 19th सेंचुरी लेट 19th सेंचुरी में क्या हुआ टी प्लांटेशन स्टार्ट हो गया. टी प्लांटेशन स्टार्ट हो गया एंड माइनिंग बिकेम टी प्लांटेशन स्टार्ट हो गया और जो माइनिंग था ये दोनों ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो गए. टी प्लांटेशन और जो माइनिंग था माइनिंग कोल माइनिंग मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री हो गया बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो गई के बिकम एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री. ये एक इंडस्ट्री बन गए. एंड ट्राइबल्स वर रिक्रूटेड ए लार्ज नंबर ऑफ टू वर्क द ट्री प्लांटेशन ऑफ असम एंड द कोल माइंस ऑफ झारखंड. आपने कोल्स माइंस में देखा कि 50% ऑफ दी जो पीपल है वो ट्राइबल्स वहाँ पर काम करते हैं. 50% ऑफ दी जो पीपल्स हैं वो ट्राइबल्स वहाँ पर वर्क करते हैं. ये आपने अभी देखा. एंड जो लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स थे जो लार्ज नंबर ऑफ जो ट्राइबल्स थे उनको रिक्रूट किया गया और टी प्लांटेशन जो कि असम में जो टी प्लांटेशन होता है असम में उसके लिए उन्हें वहाँ पर रख लिया गया और दे वर रिक्रूटेड एंड कोल्स माइंस और कोल्स माइंस जो कोल्स माइंस थे दे वर रिक्रूटेड थ्रू ट्राइबल्स को रिक्रूट किया गया लार्ज नंबर ऑफ वर्क मतलब लार्ज नंबर ऑफ ट्राइबल्स को रिक्रूट किया गया था टी प्लांटेशंस में काम करने के लिए. टी प्लांटेशंस में काम करने के लिए असम में और जो कोल्स माइंस थे झारखंड में वहाँ पे भी उन्हें काम करने के लिए लार्ज नंबर ऑफ ट्राइबल्स को रखा गया था जो हमने पिक्चर में देखा था डैट इज 50% ट्राइबल्स ही कोल्स माइंस में वर्क करते एंड दे वर रिक्रूटेड थ्रू इन्हें रिक्रूट किया गया था थ्रू कॉन्ट्रैक्टर्स मतलब दे वर रिक्रूटेड थ्रू कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू उन्हें रिक्रूट किया जाता था हु पेड देम मिजरेबली और जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे वो उन्हें बहुत लो वेजेस दिया करते थे. जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे वो उन्हें बहुत लो वेजेस दिया करते थे एंड प्रिवेंटेड देम फ्रॉम रिटर्निंग होम और उन्हें क्या करते थे कि उन्हें प्रिवेंट मतलब कि उन्हें घर वापस नहीं जाने देते थे घर वापस लौटने नहीं जा देते थे उन्हें बहुत लो वेजेस देते थे और उन्हें वापस घर भी लौटने नहीं देते थे उन्हें क्या करते थे वापस घर लौटने नहीं देते थे.